हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस के अंदर नया पेज कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वर्डप्रेस पेज और वर्डप्रेस पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना डैशबोर्ड ओपन करना है। उसके बाद में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है। इसके अंदर इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप नया पेज कैसे ऐड करेंगे और उसको मेनू में या फिर साइड बार में कैसे दिखाएंगे। तो आपको अपने डैशबोर्ड में आना है, उसके बाद में आपको पेजेस के ऊपर जाना है और जैसे ही आप ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे पेजेस शो हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं ऐड। जैसे ही ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास सामने एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने पेज का टाइटल डालना है, जैसे कि मैं फ़िलहाल पेज बनाता हूँ अबाउट अस का। यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट ऐड कर लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ मैं जैसे ही अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस को पहले समझ लेते हैं। जैसे ही आप इस प्लस सिंबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स या फिर इनको हम ब्लॉक भी बोलते हैं। अगर हम एलिमेंटर के अंदर पेज आप एडिट करते हैं तो उसके अंदर इनको एलिमेंट बोलते हैं। पैराग्राफ है, हेडिंग है, लिस्ट है, कोट है, कोड है, ऐसे ही काफ़ी सारे एलिमेंट हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप सभी को अच्छे से समझ जाएंगे। तो फिलहाल मैं सबसे पहले ऊपर ऐड करता हूँ हेडिंग के अंदर, मैं डालता हूँ हु इज परविंदर। तो उसके बाद में फिर से आपको आप डायरेक्ट यहाँ प्लस सिंबल के ऊपर ब्लॉक ऐड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब मैं उसके बाद ऐड करता हूँ पैराग्राफ, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये यहाँ पे दो पैराग्राफ ऐड हो गए। उसके बाद में अगर आपको नीचे इमेज ऐड करनी है तो आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम इमेज ऐड कर देते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं, अगर मान लो आपको नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। इमेज है या फिर ये सिंगल इमेज है, ये गैलरी है, इसमें मीडिया के साथ में टेक्स्ट भी होगा। ऐसे ही काफ़ी सारे एलिमेंट आप YouTube वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे एलिमेंट हैं। जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे आप ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। अब मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ एक बार, मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और अपने फोल्डर से आप इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद में इसका टाइटल है और एल्ट टेक्स्ट आप दे सकते हैं इसका और सिलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे मेरी इमेज शो हो गई। मैं इस इमेज को जैसे मान लो अगर मैं ऊपर इसको दिखाना चाहता हूँ तो आपके सामने ये सिक्स डॉट है, ड्रैग ब्लॉक। जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर ले जाते हैं तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पे ये किस ऑप्शन के लिए काम आएगा। ये देखिए, जैसे आप इसको ड्रैग करके आप इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये देखिए ये इमेज हमारी ऊपर आ चुकी है। और ऐसे ही आप किसी भी ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके लाइन है, बोल्ड है, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे, पेज और ब्लॉक। ब्लॉक जो आपका एक ब्लॉक सिलेक्टेड है उसकी सेटिंग्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगी और पेज के अंदर आपके पेज की सेटिंग्स दिखाई देंगी। तो ब्लॉक के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज का ब्लॉक सिलेक्ट है। यहाँ पे इसकी स्टाइल है, जैसे राउंडेड शेप के अंदर कर सकते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट है, ऐसे ही यहाँ पे स्टाइल है। और उसके बाद में इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, थंबनेल है, साइज़ है। और एडवांस में जाते हैं तो आप एट्रीब्यूट या फिर HTML के कुछ या फिर CSS की सेटिंग्स हैं, इनको आपको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद में अगर पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपके पेज का स्टेटस है, पेंडिंग होगा या पब्लिक होगा। और उसके बाद में परमालिंक है, इसको आप URL बोल सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में फीचर्स स्निपेट है इस पेज की, ऐसे ही डिस्कशन है, इस पेज के ऊपर आपको कमेंट अलाउ करने हैं या फिर नहीं करने हैं। ऐसे ही पेज एट्रीब्यूट है, पेज एट्रीब्यूट के अंदर इसका पेरेंट पेज क्या है, तो पेरेंट पेज हम कोई भी नहीं रखेंगे। और नीचे है इस तरह की सेटिंग्स, ये जो भी आपकी थीम होगी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। तो फिलहाल हमने एक नॉर्मल पेज बना लिया है, अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही पब्लिश करेंगे पब्लिश हो जाएगा। और आपको देखने के लिए व्यू पेज के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और ओपन इन न्यू टैब, ये नई टैब में हमारा ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ ताकि हम और पेजेस ऐड कर सकें।
ये देखिए ये हमारा पेज यहाँ पे बन चुका है। ये जो शेयरिंग के हैं ये एक अलग से प्लगइन है सैशी सोशल शेयर, वहाँ से मैंने ऐड किए हैं। तो इसको मैं एक और पेज ऐड करते हैं हम, ऐड न्यू। यहाँ पे आप डालिए कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आप बाकी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सेम कंटेंट ऐड कर लेता हूँ ऐसे ही थोड़ा सा, और उसके बाद में पब्लिश। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन सभी चीज़ों की, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसके बाद में मैं इसको बैक करता हूँ। ये देखिए ये हमारा पेज आ गया। ये देखिए यहाँ पे मेनू में ऑटोमेटिक शो हो रहा है। अगर मान लो बाई चांस आपका शो नहीं होता है या फिर आपको यहाँ शो करना है, तो उसके लिए आपको जाना है अपीयरेंस में, और यहाँ पे ऑप्शन है मेनूज का। अगर आप मेनू के अंदर अपडेट करना चाहते हैं किसी भी नए पेज को, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पहले आपको ये देखिए हम यहाँ पे एक नया मेनू क्रिएट कर लेते हैं। जैसे प्राइमरी मेनू मैंने क्रिएट किया, और इसको प्राइमरी सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में क्रिएट मेनू। ये हमारा मेनू क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको जो भी पेज ऐड करना है उसको सिलेक्ट करना है और ऐड टू मेनू कर दीजिए, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप कस्टम लिंक ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कैटेगरीज को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे ये अनकैटेगराइज है, ऑल कैटेगरी के अंदर आते हैं हम वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग, ऐसे ही इन कैटेगरीज को भी आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। और ऐड टू मेनू कीजिए, और उसके बाद में सेव मेनू कीजिए। अपनी वेबसाइट पे आइए और रिफ्रेश कीजिए। यहाँ पे देखिए सैम्पल पेज यहाँ से हट गया, यहाँ पे ब्लॉगिंग अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस आ गया। ऐसे ही आप इनको आगे पीछे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं, मान लो अगर आपको ये अपने पेजेस हैं वो यहाँ पे साइड बार में दिखाने हैं, तो उसके लिए आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर, और उसके बाद में है विजिट्स, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपके सामने ये विजिट ओपन हो गई। जैसे ये है साइड बार की, ये है फुटर की विजिट, ये आपकी थीम के अकॉर्डिंग मिलेगी। अलग अलग थीम में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए अगर आपको यहाँ साइड बार में ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये ऑप्शन पूछा है, तो इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको यहाँ से उठाना है, और हम यहाँ पे यहाँ दिखा देंगे, हम इसको डालते हैं सबसे ऊपर सर्च के नीचे। तो उसके बाद में इसको आप यहाँ पे, और इसका हम टाइटल दे देंगे जैसे कि इम्पोर्टेंट पेजेस, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं इसको पेज के टाइटल के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे शो होंगे। अगर आपको कोई पेज एक्सक्लूड करना है, तो आप उसकी आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। आईडी आपको जैसे ही आप पेजेस के अंदर जाएंगे, तो वहाँ से आपको इसकी आईडी मिल जाएगी। अब उसके बाद में आपको सेव करना है, और अब अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करना है। अगर आपका ये ऐसे रिफ्रेश करने से ना आए, तो आप कंट्रोल F5 के साथ में रिफ्रेश कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सेव तो कर दिया ये, लेकिन अभी भी हमारे पेजेस यहाँ पे नहीं दिखा रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अपनी वेबसाइट, जो ब्राउज़र है, वो आपकी वेबसाइट का कुछ कैसे सेव कर लेता है। तो इसको आप इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करके देखिए। ये देखिए यहाँ पे अगर इनकॉग्निटो में देखते हैं, तो हमारे पास ये यहाँ पे शो हो रहे हैं इंपॉर्टेंट पेजेस। तो ऐसे ही आप, या फिर आप यहाँ से क्लियर कैसे कर सकते हैं, आप सेटिंग्स के अंदर जाके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।